चैनल 6 के प्रोग्राम दिल दिया गल्ला के साथ मैं हूँ नायरा सरवर। इलेक्शन को कवर कर रहे हैं हम लोग, इस इलेक्शन में, इलेक्शन 2018 जनरल पब्लिक इलेक्शंस में कौन जीतेगा और हमारे लोग, हमारी आम पब्लिक कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है। मैं बेसिकली पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, और मतलब पीटीआई के अभी देखो ना बहुत सारा चेंजेस आ गया पीटीआई की वजह से हर जगह पे। तकरीबन अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन मतलब एक इज्तिमाही काम में, मतलब इंडिविजुअली काम नहीं किया, इज्तिमाही काम उन्होंने बहुत सारे करें, जैसे कि आप केपीके में ले लो, मॉनिटरिंग का सिस्टम उन्होंने जो शुरू किया है हेल्थ के उसमें डिपार्टमेंट में, और आप जो है ना ये एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत सही कर लिया है ना। मतलब ऐसे कुछ और काम भी है जो मतलब ये नहीं है कि बंदा कोई चीज़ बनाते तो हैं, सब कुछ काम करते हैं, आवाम का पैसे ये लोग लगाते हैं, लेकिन पीटीआई ने मतलब वहाँ पे एक सिस्टम हायरार्की लेवल का सिस्टम ही उन्होंने सेट किया है, उसके बावजूद इन्होंने जो है ना मतलब ऊपर मॉनिटरिंग का सिस्टम, इन्होंने ये दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर कर। पीटीआई में फेवरेट कैंडिडेट कौन सा आपका? अली अमीन खान गंडापुर। आप गंडापुर से आपको ही वोट दें? नहीं, हमारे इलाके से तो मेरा खुद अपना कज़न खड़ा हो रहा है, इशफाक खान। तो अपने कज़न की वजह से पीटीआई को सपोर्ट? उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो उसकी तो मेरे शमूलियत और ये अभी होगी, लेकिन मैं मतलब बहुत पहले से पीटीआई के, सारे जवान ही पीटीआई के कैंडिडेट है आजकल।